नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। भारतीय जाट सभा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज वसंत पंचमी है और इस दिन सर छोटूराम की जयंती मनाई जाती है और यहाँ पर ये चोपटा क्षेत्र के अंदर सर छोटूराम की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर भारतीय जाट सभा के पदाधिकारियों के अलावा आसपास के जो लोग हैं, जो किसान वर्ग है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज सर छोटूराम जी की जयंती चोपटा हल्के के अंदर, जैसे अपने पंतालीसा पुराना जो कहा जाता है, वहाँ पे सर छोटूराम जी की जयंती मनाई गई है। सर छोटूराम जी किसानों के मसीहा थे और हमेशा उन्होंने किसानों के लिए, किसान वर्ग के लिए काम किया था। उनके फैन हिंदू मुस्लिम सारे थे, सभी उनको सर छोटूराम के नाम से पुकारते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने किसान कौम के लिए, किसान के लिए निछावर की थी। और उन्होंने, उनकी मृत्यु 9 जनवरी को हुई थी और उन्होंने एक मृत्यु से पहले कहा था, अभी मेरी एक जो जन्मदिन है वो आप सारी दुनिया बसंत पंचमी को बनाए, क्योंकि बसंत पंचमी किसानों का त्यौहार होता है। और उसी दिन आज सर छोटूराम जी की जयंती मनाई जाती है और पूरे किसान वर्ग के लिए गौरव की बात थी कि सर छोटूराम जैसे नेता पैदा हुए थे और जिन्होंने किसान के लिए, किसान कौम को जगाने का काम किया था। आज भी दुनिया, पूरी दुनिया उन्हीं नक्शे कदमों के ऊपर चल के किसान का भला सोचने की कार्य करती है। और यही प्रोग्राम था, भारतीय जाट सभा की तरफ से आज ये प्रोग्राम आयोजन किया गया था। सर छोटूराम जी हो चाहे किसी भी किसान मसीहा हो, चाहे कोई जाट नेता हो, उसी का बिहाफ के ऊपर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। सर छोटूराम जी की जयंती के ऊपर सारे प्रदेशवासियों को और सारे हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं और दुआएं करते हैं कि किसान का वर्ग आगे खुशहाली की ओर बढ़े। अब ये भारतीय जाट सभा के तत्वावधान में इस तरह का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ बता दें कि भारतीय जाट सभा पिछले लंबे समय से किसान वर्ग के अलावा जाट समाज के जो जितने भी महापुरुष रहे हैं, उनकी चाहे जयंती हो चाहे शहीदी दिवस हो, उस पर अपनी तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी के तहत आज ये भारतीय जाट सभा की तरफ से यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से, जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।